फिल्म द मास्टर को कर दिया गया है सिनेमाज में रिलीज हिंदी भाषा में। आइए जल्दी से उसका रिव्यू करते हैं हिंदी भाषा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। दोस्तों, फिल्म मास्टर जिसको 13 जनवरी को रिलीज किया गया था तमिल लैंग्वेज में और आज 14 जनवरी को इसको हिंदी में कर दिया गया है रिलीज। लेकिन कैसी है ये फिल्म, ये जानेगा इस रिव्यू में। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो TRP ही फिल्म की है। विजय सेतुपति और थलापति विजय दोनों बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अगर एक हीरो है वो अच्छा है और दूसरा अगर विलन है तो वो बुरा है, दोनों की एक्टिंग की बात करें तो बहुत बेहतरीन। आप किसी को जज नहीं कर पाओगे कि यार ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है। दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है और दोनों ने दिखा दिया है कि सुपरस्टार किसको कहते हैं। साउथ की बात करें तो साउथ के सुपरस्टार्स हैं दोनों, और विजय सेतुपति तो जल्द ही बॉलीवुड में भी पैर रखने वाले हैं। लेकिन थलापति विजय और विजय सेतुपति को इस फिल्म से ही काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी है हाइप, क्योंकि दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ये तो थी फिल्म की TRP और इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन नेगेटिव भी बहुत कुछ है। फिल्म के स्क्रीन प्ले और राइटिंग की बात करें तो कोई खास अच्छी नहीं थी, टिपिकल सी स्टोरी थी और टिपिकल सा स्क्रीन प्ले था। ये उम्मीद नहीं थी कि यार इतने बड़े एक्टर्स को लेकर आप इस तरीके की स्टोरी दोगे। फिल्म की स्टोरी ड्रैग कर रही थी, काफ़ी लंबी थी फिल्म, इसलिए इसकी ड्यूरेशन ने फिल्म को बना दिया है एवरेज। वैसे एक्टिंग पॉइंट की तरफ से देखा जाए फिल्म को तो फिल्म बहुत बढ़िया है, स्टार कास्ट भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत बढ़िया एक्शन। एक्शन की बात करूँ तो बहुत बढ़िया एक्शन देखने को आपको मिलेगा। अगर आप थलापति विजय के एक्शन के फैन हैं तो ये फिल्म आप ही के लिए बनी है। सिनेमाज में ज़रूर जाके इसको देखेगा और मास्क पहनना मत भूलेगा। ओवरऑल फिल्म की बात करूं तो एक अच्छी फिल्म है, वन टाइम वॉच है, बार बार आप इसे नहीं देख पाओगे क्योंकि टिपिकल सी स्टोरी लेके मेकर्स आपके सामने आए हैं। वैसे थलापति विजय की मूवीज़ की बात करें तो अक्सर हिट देते हैं वो, ये भी एक हिट मूवी रहेगी क्योंकि लोग उनके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पे तो ये फिल्म छा ही जाएगी क्योंकि फिल्म के स्टार हैं थलापति विजय। अगर आप थलापति विजय के फैन हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, लेकिन बार बार मत देखिएगा क्योंकि फिर ये मूवी आपको एवरेज लगने लग जाएगी। तो दोस्तों, आप की क्या राय है इन दो बड़े एक्टर्स की मूवी जिसका नाम है द मास्टर पे, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज़ के लिए देखते रहेगा मुझे यानी अभिषेक को और गूगल बॉलीवुड को।